गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पिंकी बैनर्जी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हार्टली ऑसिलेटर। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉलपिट ऑसिलेटर के बारे में बताया था। ऑसिलेटर का चैप्टर शुरू हो गया है, इंट्रोडक्शन वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कॉलपिट ऑसिलेटर के बारे में ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, और आज हम लोग हार्टली ऑसिलेटर को डील करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स गो थ्रू द लेक्चर्स प्रोवाइडेड ऑलरेडी इन द यूट्यूब। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए आगे के ऑसिलेटर के वीडियो के लिए। ओके, एंड आप लोगों का नोट जो है अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप उसमें जो है वो जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्टले ऑसिलेटर। जैसा कि कॉल्पिट ऑसिलेटर में हमने पढ़ा था, हार्टले ऑसिलेटर में हम देखेंगे कि हमारा जो बेसिक था ऑसिलेटर का वो यह था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। एंड एम्पलीफायर के साथ में जब हम पॉजिटिव फीडबैक को यूज कर रहे हैं एंड विद द टैंक सर्किट हम लोग ऑसिलेटर को डिजाइन कर रहे हैं, जो कि हमने हार्टले में भी कॉल्पिट में भी किया था। तो हार्टले ऑसिलेटर में भी हम लोग जो है वैसा ही करेंगे, लेकिन अब चेंज ये होगा कि जैसा कि हमने कॉल्पिट में जो है वो टैंक सर्किट यूज किया था, एलसी का ही टैंक सर्किट यूज किया था, लेकिन उसमें टैप कैपेसिटर था। यहाँ पर हम लोग इंडक्टर को जो है वो टैप इंडक्टर यूज करेंगे। मतलब जो है क्या करेंगे, हम लोग दो इंडक्टर का कॉम्बिनेशन लेंगे जो कि सेंट्रली टैप्ड है। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग बेसिक में। तो हार्टली ऑसिलेटर क्या हो रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं जो फ्रिक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क है, दैट इज FDN, वो किससे कंसिस्ट हो रहा है, टू इंडक्टर्स L1 एंड L2 एंड C। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट हार्टली ऑसिलेटर इज यूज्ड एज अ कॉमन लोकल ऑसिलेटर इन रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर में जो लोकल ऑसिलेटर का जो काम करता है वो हम वहां पर हम लोग हार्टली ऑसिलेटर का यूज करते हैं। इन दिस ऑसिलेटर FDN, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क, कंसिस्ट ऑफ टू इंडक्टर्स L1 एंड L2 एंड कैपेसिटर C। दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग सर्किट। एल और सी का कॉम्बिनेशन, दिस इज अ टैंक सर्किट एंड इसमें क्या है, दो इंडक्टर है एंड एक कैपेसिटर है। और हमारा एम्पलीफायर क्या है, वो एक कॉमन एम्पलीफायर, हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो है हमने एम्पलीफायर लिया हुआ। आप जानते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग एम्पलीफायर लेते हैं, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर लिए हैं, और क्योंकि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है देयरफॉर इट विल इंट्रोड्यूस अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो एज द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इट इंट्रोड्यूसेस 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, और अनदर फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री इज प्रोवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क दैट इज FDN। दस अ टोटल ऑफ फेज शिफ्ट ऑफ 360 डिग्री और 0 डिग्री इज ऑब्टेन बाय द डेवलप्ड ऑसिलेशन। तो हमारा जो है, हमें चाहिए ऑसिलेशन होने के लिए, पॉजिटिव फीडबैक होने के लिए हमें चाहिए कि इनपुट और आउटपुट, मतलब जो इनपुट से जो हम लोग फीडबैक नेटवर्क से जो हमारा सिग्नल मिलेगा, उन दोनों का जो है वो क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट इज टोटल फेज शिफ्ट जो है वो 360 डिग्री का या 0 का होना चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा कि जब हम लोग जो है वो दो हमारे पास में फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होगा, एक होगा ये ट्रांजिस्टर के कारण और दूसरा हो जाएगा इस टैंक सर्किट के कारण। ट्रांजिस्टर के कारण जो है वो हमारा यहाँ पर हमें जो फेज शिफ्ट मिलेगा वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा, और इस टैंक सर्किट के कारण जिसमें कि एल और सी का कॉम्बिनेशन है, L1 एंड L2 अदर टू इंडक्टर्स एंड वन कैपेसिटर, इसके कारण जो है हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। तो टोटल फेज शिफ्ट हमारा जो है 360 डिग्री हो जाएगा और 0 डिग्री हो जाएगा, और वो जाकर जो है इनपुट में जाकर फेड होगा एंड इट विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव ऑसिलेशन दैट इज पॉजिटिव फीडबैक एंड अ सस्टेन्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क, जो कि मेन जो हमारा इस ऑसिलेटर का जो मेन हमारा जो कंसर्न है, जिसे हमें जानना है, वो है फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर। और इंडक्टर क्या है, दो इंडक्टर है L1 एंड L2। ये जो दो इंडक्टर है वो सीरीज में है और ये दोनों जो है पोटेंशियल डिवाइडर की जैसा यूज हो रहा है। सो दिस टू L1 एंड L2 इन FDN नेटवर्क, टू सीरीज इंडक्टर L1 एंड L2 फॉर्म द पोटेंशियल डिवाइडर, जो
used for providing the feedback voltage. The output of the amplifier is applied across the inductor L1 and the voltage across inductor L2 forms the feedback voltage. That means ये जो हमारा L1 है, क्योंकि L1 और L2 हम देख रहे हैं सेंट्रली टैप्ड है, तो ये क्या हो रहा है, वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क काम कर रहा है, और ये हमारा L1 में जो वोल्टेज डेवलप होगा वो क्या होगा, वो देखिए पैरेलल अगर हम देखें तो ये L1 ये पॉइंट जो है वो क्या है, वी आउट है, एंड वी आउट मतलब हो रहा है कि मेरा आउटपुट, मतलब ये जो हमारा कलेक्टर का जो आउटपुट है, कलेक्टर के पॉइंट से अगर हम आउटपुट लेते हैं और उसके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो हम मेजर कर रहे हैं वोल्टेज, वही जो हमारा वी आउट है। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो कलेक्टर एंड ग्राउंड के बीच में जो जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, L1 है, दैट इज जो वोल्टेज अक्रॉस जो है L1 होगा वो हमारा क्या होगा, वी आउट होगा। एंड हम लोग क्योंकि जो है वो फीडबैक नेटवर्क जो है जाकर के फिर जाके किसमें फिट हो रहा है, जाकर के हमारा जो है वो इनपुट साइड में जाएगा, तो आउटपुट से जो हमारा जो वोल्टेज इनपुट साइड में जाएगा वो कहाँ करेगा, डेवलप अक्रॉस L2। तो ये हमारा जो है वो L2 से जो वोल्टेज डेवलप होगा वो हमारा पहुंचेगा कहाँ, तो इनपुट में पहुंचेगा। एंड ये जो हमारा L1 एंड L2 है, ये हम देख सकते हैं कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसमें जो है ये वी आउट ये हमारा आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा और ये हमारा फीडबैक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा और बीच में जो है ये ग्राउंड है, तो इसका जो वोल्टेज और ये जो L2 का वोल्टेज दोनों क्या है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, मतलब आउटपुट वोल्टेज एंड फीडबैक वोल्टेज में 180 डिग्री का क्या हो जा रहा है, फेज शिफ्ट हो जा रहा है। तो एक तो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में फेज शिफ्ट कितना होगा, 180, और फिर जो हम लोग आउटपुट से जो हम लोग इसमें दिए हैं फीडबैक नेटवर्क में, हम आउटपुट आउटपुट का पोर्शन जो है फीडबैक नेटवर्क में लगाते हैं या लगाएं, और उस आउटपुट के जो फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट होता है वो जाके इनपुट में लगाते हैं, तो यहाँ पर जो है उसका भी हमें कितना फेज शिफ्ट मिल जाएगा, 180 डिग्री का। तो 180 और 180 हमें 360 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल जाएगा। ओके, यही वर्किंग हमको फिर समझना है। तो व्हेन द सर्किट इज टर्न ऑन, ये कैसे होगा, अभी हमें समझना है कि हम कह तो रहे हैं कि L1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हम लोग क्या करेंगे, उसको आउटपुट वोल्टेज के रूप में लेंगे, और L2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम जो है वो फीडबैक वोल्टेज के रूप में लेंगे। तो कैसे होगा, क्योंकि इसमें जो है ये एक टैंक सर्किट है, LC का कॉम्बिनेशन है, तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले जैसे ही ये सर्किट ऑन होगा वैसे ही क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, और जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज इट डिस्चार्ज थ्रू कॉइल्स L1 एंड L2 सेटिंग अप द ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही जो है कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, तो कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद में फिर जो है वो क्या होगा, डिस्चार्ज करेगा। जब डिस्चार्ज करेगा तो किसके थ्रू डिस्चार्ज करेगा, वो L1 एंड L2 के थ्रू जो है वो डिस्चार्ज करेगा, L1 एंड L2 के थ्रू डिस्चार्ज करेगा। कैपेसिटर इज एक्टिंग एज अ, जब वो फुल चार्ज हो जाएगा तो इट विल एक्ट एज अ वोल्टेज सोर्स, ये एक वोल्टेज सोर्स के जैसा काम करेगा, और जो है वो क्या करेगा कि करंट जो है वो सेट करेगा इन दिस टैंक सर्किट, और वो जो करंट जो सेट करेगा उस करंट के थ्रू जो है कैपेसिटर क्या होगा, वो डिस्चार्ज करेगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है, तो इसी कैपेसिटर डिस्चार्ज के करने करने के कारण जो है वोल्टेज जो डेवलप करेगा वो हमारा हो रहा है L1 अक्रॉस जो वोल्टेज जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं, वी कैन सी L1 जो है वो किसके साथ में जो है कनेक्टेड है, क्योंकि कैपेसिटर ये हमारा ट्रांजिस्टर के आउटपुट के कलेक्टर से जो कनेक्टेड है, एंड इट इज ग्राउंडेड। सो हम लोग जो जो वोल्टेज सी के इस कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, ये मान लो कि ये करंट ये ऐसे ही फ्लो करेगा, क्योंकि ये टैंक सर्किट जो है वो क्या करेगा, वो एक ऐसा सर्किट होगा जो कि, और इस सर्किट में जो है वो बाहर से ना करंट इन करेगा ना ना बाहर से जो है वो करंट आउट करेगा, तो दैट मीन्स एक जो है वो करंट फ्लो करेगा जो कि इस सर्किट में ही जो है वो घूमेगा, तो घूमने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज डेवलप करेगा, L1 एंड L2 के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप करेगा। तो L1 क्योंकि जो है वो कलेक्टर से कनेक्टेड है, एंड जो है वो इसका एक छोर जो है L1 का वो ग्राउंडेड है, दैट इट विल एक्ट एक्ट एज अ वी आउट, दैट इज आउटपुट वोल्टेज। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि L2 का जो है एक छोर जो है वो ग्राउंडेड है, और दूसरा जो है किससे कनेक्टेड है, वो इनपुट से कनेक्टेड है, सो दिस वोल्टेज विल एक्ट एज अ फीडबैक वोल्टेज। दैट्स व्हाई हमें यहाँ दिख रहा है ये जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज कर रहा है L1 एंड L2 के थ्रू,
तो मान लो ये करंट ऐसे अगर फ्लो कर रहा है तो ये हमारा करंट का फ्लो हो गया, लेकिन हम लोग जब जब हम लोग वोल्टेज जब ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि दिस इज एक्चुअली नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव फीडबैक वोल्टेज जो है वो हम बीएफ ले रहे हैं। तो ये जो बीएफ लेंगे ये हमारा फीडबैक वोल्टेज है जिसको हमने लिया, तो किसके अक्रॉस लिया, एल टू के अक्रॉस लिया। एल टू के अक्रॉस हमने बीएफ लिया एंड एल वन के अक्रॉस हमने वी आउट लिया। हम देख रहे हैं कि ये वी आउट एंड वी वन जो हमारा वी एफ है ये कितना हो जा रहा है, 180 का फेस शिफ्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस है और ये माइनस है एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। तो इन दोनों का क्या है, इन दोनों का वोल्टेज जो है वो क्योंकि पोलैरिटी अलग है देयरफॉर इसका जो है जो फेज डिफरेंस हो जा रहा है वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जा रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर अपीयर अक्रॉस L1 एंड द फीडबैक वोल्टेज अक्रॉस L2। ओके, द वोल्टेज अक्रॉस L2 इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस L1 जो कि बी आउट है, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं, क्या देखेंगे कि हियर वी कैन सी दैट द वोल्टेज फीडबैक दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस L2 टू द ट्रांजिस्टर प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक। ये हमारा क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव फीडबैक हो जा रहा है क्योंकि हमने देखा कितना का फेज शिफ्ट हो गया, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया। अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांजिस्टर एंड अ फादर फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड बाय द L1 एंड L2 वोल्टेज डिवाइडर। ये जो वोल्टेज डिवाइडर है L1 L2, क्योंकि हमने कहा कि L1 L2 जो है वो सीरीज में है लेकिन बीच में क्योंकि टैपिंग कर दिया गया है तो इट एक्ट एज अ वोल्टेज डिवाइडर। एंड ये जो हमारा L1 L2 कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के कारण ही जो है वो 180 डिग्री का एक्स्ट्रा फेज शिफ्ट जनरेट हुआ। इन दिस वे द फीडबैक इज प्रॉपरली फेज टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब हम लोग को ये देखना है कि हमने देखा कि हार्टले ऑसिलेटर में हमने दो इंडक्टर और एक कैपेसिटर को यूज किया है और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हुआ है वो हमारा L1 की जो के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हुआ है वो V आउट है एंड L2 के अक्रॉस जो जनरेट हुआ है वो VF है। अब अगर हम लोग फीडबैक फ्रैक्शन निकालना चाहें तो फीडबैक फ्रैक्शन दैट इज बीटा वो कितना होगा, फीडबैक जो हमारा सर्किट है उसका जो हमारा फीडबैक फ्रैक्शन हो जाएगा वो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं V आउट बाय V इन होता है। तो V आउट मीन्स आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फीडबैक नेटवर्क इज VF एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ द फीडबैक नेटवर्क इज एक्चुअली वी आउट, दैट फॉर वीएफ बाय वी आउट जो है वो रेशियो होना चाहिए एंड वीएफ बाय वी आउट जो रेशियो है ऑब्वियसली वीएफ जो है वो क्या है हमारा जो वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस जो है वो हो रहा है L2 के, इसलिए हमने लिखा है रिएक्टेंस दैट इज XL2 बाय XL1 दैट इज L2 बाय L1, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, XL2 मतलब होता है जे ओमेगा L2 एंड XL1 हो जाएगा जे ओमेगा L1, तो जे ओमेगा कट जाएगा बच जाएगा L2 बाय L1। ओके, सो हियर वी गेट दैट फीडबैक रिएक्शन इक्वल टू L2 बाय L1। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू हैव टू नोट इट। ओके, कि फीडबैक फ्रैक्शन हार्टले ऑसिलेटर में कितना होता है, तो L2 बाय L1 होता है। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, हमें और एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो ऑसिलेशन जो जनरेट होगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा और ये किस पर डिपेंड करेगा। जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा वो हम लोग, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि इसमें हमने क्या क्या यूज किया है, दो इंडक्टर और एक कैपेसिटर दैट इज L1 L2 एंड C वी हैव यूज्ड, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इस फ्रीक्वेंसी जो हम निकालेंगे वो हो जाएगा F इक्वल टू 1/2 pi root over C LT। LT इज एक्चुअली द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, दैट इज इंडक्टेंस जो है वो क्योंकि L1 एंड L2 है तो ऑब्वियसली हम लोग इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ले लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन F इक्वल टू होता है 1/2 pi root over LC होता है। तो क्योंकि जो है सी तो यहाँ पर जो है एक ही कैपेसिटर यूज किया है एंड इंडक्टर ने दो किया है तो इसका हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टर लेना पड़ेगा। इक्विवेलेंट इंडक्टर क्योंकि क्योंकि दोनों सीरीज में इंडक्टर है तो हमने इक्विवेलेंट इंडक्टर ले लिया L1 plus L2 एंड वन न्यू टर्म वी आर गेटिंग हियर इट इज 2M, 2M। M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। L1 एंड L2 के बीच में क्योंकि ये इंडक्टर इंडक्टर जो है वो कॉइल है, हम लोग जानते हैं कि जब करंट फ्लो करता है तो जो है वो जो है इंडक्टेंस जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो इंट्रोड्यूस होता है बिटवीन L1 एंड L2 दो इंडक्टर के बीच में, तो ये हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2M। तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 1/2 pi root over C
into LT, and LT is equal to L1 plus L2 plus twice N. Okay, and ये भी याद रखना हम लोग को कि जो हमारा जो फीडबैक नेटवर्क है वो किसका कॉम्बिनेशन है, वो L1, L2 एंड C का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम जानना चाहें कि हार्टले ऑसिलेटर एंड कॉलपिट ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हार्टले और कॉलपिट अगर अगर हम जस्ट देखिए तो लगेगा कि ऐसे एक ही है, लेकिन नहीं, दोनों एक नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि हमने जो है वो जैसे कि हमने अभी यूज किया हार्टले में, हमने क्या यूज किया कि टैप्ड इंडक्टर यूज किया है, लेकिन जब हम लोग जो हमने कॉलपिट ऑसिलेटर यूज किया था तो उसमें हमने टैप्ड कैपेसिटर यूज किया था। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टैप्ड कैपेसिटर टू इंडक्ट L1 एंड L2 आर प्लेस्ड अक्रॉस अ कॉमन कैपेसिटर सी एंड द सेंटर ऑफ द इंडक्टर इज टैप्ड, है ना, सेंटर सेंटर जो है टैप किया गया है। लेकिन पहले क्या था, पहले हमने एक कॉलपिट में हमने क्या किया था, एक जो है वो इंडक्टर यूज किया था, कैपेसिटर जो है दो कैपेसिटर यूज किए थे, और इस दो कैपेसिटर जो C1 एंड C2 था उसको उसको हमने सेंटरली टैप किया था, और वो जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन C1 C2 था वही जो है वो 180 डिग्री फेज से प्रोवाइड कर रहा था, एंड इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द फीडबैक वोल्टेज, है ना। तो हमारा जो है टैंक सर्किट जो बना हुआ था कॉलपिट में वो हमारा टैप्ड कैपेसिटर था, दैट इज C1 C2 एंड L था, बट हमारा जो हार्टले में जो है जो हमारा ऑसिलेटर है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, L1 L2 एंड C, दैट इज द टू इंडक्टर एंड वन कैपेसिटर। दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन हार्टले एंड द कॉलपिट ऑसिलेटर। ओके, सो हियर वी हैव सीन दैट हार्टले ऑसिलेटर, अगर हम लोग अगर इसको अगर आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें तो हार्टले ऑसिलेटर हमारा जो है वो लोकल ऑसिलेटर रेडियो रिसीवर में यूज होता है, एंड हार्टले ऑसिलेटर का जो हमें जो मेन याद रखना है वो हमें टैंक सर्किट के बारे में याद रखना है। ये जो हमारा टैंक सर्किट है वो कॉम्बिनेशन है किसका, तो LNC का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टैप इंडक्टर यूज कर रहे हैं, दैट इज टू इंडक्टर सेंटरली टैप L1 एंड L2। L1 के अक्रॉस जो है हम लोग को क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, एंड L2 के अक्रॉस जो हमें क्या मिलेगा, फीडबैक वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब है ये हमारा फीडबैक नेटवर्क में जो हमारा इनपुट हो रहा है वो वी आउट है, एंड जो फीडबैक नेटवर्क में जो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो VF है, एंड वी आउट बाई VF वी कैन सी दैट इट विल बी L2 बाई L1। ओके, तो हमारा ये हमारा जो है फीडबैक नेटवर्क का काम कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग सर्किट का काम कर रहा है, LC का कॉम्बिनेशन, एंड जो हमारा यहाँ ट्रांजिस्टर है जो कि यहाँ एक एम्पलीफायर का काम कर रहा है, और ये एम्पलीफायर जो है हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है। तो हम देख सकते हैं कि बिना किसी इनपुट के, इनपुट हम देख रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, जैसे पहले हमने देखा था कि हम लोग जानते हैं ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट है जिसमें हम कह सकते हैं कि बिना किसी AC इनपुट के हम लोग जो है वो आउटपुट रिसीव कर सकते हैं, दैट इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, सस्टेन्ड ऑसिलेशन जो है हम लोग रिसीव कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ हार्टली ऑसिलेटर में देख सकते हैं कि विदाउट गिविंग एनी इनपुट। आप देख सकते हैं कि हमने इनपुट हमने नहीं दिया, नहीं दिया मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा जो काम था वो ये था कि जैसे हमने सर्किट को टर्न ऑन किया तो बिकॉज ऑफ दिस VCC ये हमारा जो है इन कैपेसिटर चार्ज कर गया, और कैपेसिटर चार्ज करने के कारण क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज कर गया तो कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू दिस टैंक सर्किट, दैट इज L एंड C के कॉम्बिनेशन के कारण हमें क्या हो जाए, कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा थ्रू दिस इंडक्टर, और ये जो हमारा जो डिस्चार्ज करेगा इस प्रोसेस में जो वोल्टेज डेवलप करेगा वही जो है हमारा जो है वो फीडबैक वोल्टेज का काम करेगा, एंड दिस फीडबैक वोल्टेज विल बी फेड टू द इनपुट साइड, एंड देयर विल बी 360 डिग्री फेज शिफ्ट। व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस फीडबैक नेटवर्क वी विल गेट 180 डिग्री फेज शिफ्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिस्टर दैट इज एम्पलीफायर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन 180 डिग्री फेज शिफ्ट, दोनों जुड़ करके हमारा 360 डिग्री फेज शिफ्ट हो जा रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट द हार्टले ऑसिलेटर। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ओके, सो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड विद अस एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।